ऑफिस फ्रेंड्स का मैं स्वागत करता हूँ वीजा गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स आज मैं आपसे बात करूंगा सऊदी अरेबिया के वीज़ा के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा सऊदी अरेबिया का टूरिस्ट वीज़ा आप कैसे ले सकते हो, आपको सऊदी अरब का टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल कैसे मिलेगा। सऊदी अरब का टूरिस्ट वीज़ा आपको मिलना काफ़ी मुश्किल है और आपको ऑन अराइवल कैसे मिलेगा इसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। नॉर्मली अगर आप सऊदी अरब का टूरिस्ट वीज़ा अप्लीकेशन करते हैं तो ये काफ़ी मुश्किल से मिलता है और उसका कुछ डिफरेंट प्रोसेस है, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा सऊदी अरेबिया का टूरिस्ट वीज़ा आप कैसे ले सकते हो, लेकिन आज हम आपसे बात करेंगे सऊदी अरेबिया का टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल आप कैसे ले सकते हैं और रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं चैनल पर जॉब इमिग्रेशन वीजा की डोना डालता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशन फुल होता है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जरूर जुड़िए। तो फ्रेंड्स आज हम आपसे बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया का टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल आपको कैसे मिलेगा। आपके पास शेंगेन का वैलिड वीज़ा है, शेंगेन कंट्री जो कि यूरोपियन कंट्री का, अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है तो आपको सऊदी अरेबिया का वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। तो अगर आपके पास शेंगेन कंट्री का वैलिड वीज़ा है, यूके का वैलिड वीज़ा है और यूएस का वैलिड वीज़ा है तो आपको सऊदी अरेबिया में, अगर आप सऊदी अरेबिया एयरलाइन से आप जा रहे हैं तो ही आपको वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिलेगा। तो दो चीज़ आप नोट करिए, पहला आपके पास शेंगेन वीज़ा होना चाहिए, यूके या यूएस का वैलिड वीज़ा होना चाहिए और आप जिस एयरलाइन से जा रहे हो एयरलाइंस हो सऊदी अरेबिया एयरलाइंस, अगर आप उससे जाएंगे तो ही आपको सऊदी अरेबिया का वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिलेगा टूरिस्ट वीज़ा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वीज़ा ऑन अराइवल आपको तभी मिलेगा जब आपके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा होगा। शॉर्ट स्टे वीज़ा भी अगर आपके पास है वैलिड है, लेकिन मल्टीपल एंट्री वीज़ा होना चाहिए। अगर आपके पास यूके का, यूएस का या शेंगेन मेंबर स्टेट का अगर आपके पास वीज़ा है तो आपको मिलेगा। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है कि सऊदी अरेबिया का वीज़ा आप लेना चाहते हो तो आपको कहाँ मिलेगा, तो सऊदी अरेबिया का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पर आपको मिलेगा वीज़ा ऑन अराइवल। और इसकी जो फ़ीस है आपको क्रेडिट कार्ड से ही पे करना है, मतलब ये नहीं है कि आप कैश ले जाके, आपके पास डॉलर है, आपके पास रियाल है, आपने पे कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं घूमने के लिए, सऊदी अरेबिया आप जाना चाहते हैं घूमने के लिए, तो आपको वहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड सबको पे करना है। पे कितना करना है, 440 रियाल आपको वहाँ पे करना है। सऊदी अरेबिया में रियाल चलता है और 440 आपको रियाल पे करना है। आप सऊदी अरब जाते हैं और आपको वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है तो इसकी जो फीस है वो 440 सऊदी रियाल है और इसको अगर इंडियन करेंसी में आप कैलकुलेट करते हैं तो 9,500 से 10,000 के बीच में ये बनेगा आपका। कभी करेंसी कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कभी रियाल अप एंड डाउन होता रहता है, वो डिपेंड करता है कि रेट क्या चल रहा है। तो अगर आप सऊदी अरेबिया का वीज़ा ऑन अराइवल लेते हैं, अगर आपके पास वैलिड वीज़ा शेंगेन यूरोप या यूएस का है तो आप इन देशों का वीज़ा है सऊदी अरेबिया का आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। बस आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए और क्रेडिट कार्ड से आपको पेमेंट करना है, पेमेंट आपको 440 रियाल करना है जो इंडिया का 9,500 से 10,000 बना। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया किस तरीके से आप सऊदी अरेबिया का जो वीज़ा है वो ऑन अराइवल आप कैसे ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।